बुश का मसाला बन गया था रात में ही। यहाँ पर ब्रोकन वीट और चावल गल चुके हैं, भी गले हैं दाल्स। सो आई मिक्स ऑल द थ्री। सो यहाँ पर मैंने ब्रोकन वीट और राइस और जो मटन मसाला था दोनों को मिला दिया है एक कैसेरोल में और इसको अच्छे से स्टर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द मैशर। और अदर साइड दाल भी गल रही है। मैशर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मुझे इजी हो रहा है स्टर करने के लिए। यहाँ दाल भी गल चुकी है, इसको मैंने 2 से 3 विजल दिए हैं, थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के ही मैंने गलाया है क्योंकि दाल नीचे लग जाती है। और मैंने दाल को भी मिक्स कर दिया है, इसी में तीनों भी एक साथ मिक्स हो गए हैं। एंड नाउ गिविंग नाइस तड़का एंड घी। 2 से 3 टेबल स्पून घी ले लिया मैंने और उसमें एक प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है और इसको मैंने ऐड कर दिया है पकते हुए खिचड़े में। सो दिस इज़ कॉल्ड खिचड़ा, मिक्सचर ऑफ दाल्स एंड ब्रोकन राइस एंड ब्रोकन वीट एंड राइस अलॉन्ग विद द मटन मसाला। तड़का देने से और एनहेंस हो जाता है फ्लेवर खिचड़ा का। और मैंने इसमें ऐड किया है कोरिएंडर आल्सो विथ चॉप ग्रीन चिलीज। सिर्फ एक ग्रीन चिली डाली थी जब मैंने मटन मसाला बनाया था, अब सब गार्निशिंग में डाल रही हूँ। सो दिस इज़ इट। एंड यस, मैंने गरम मसाले का पाउडर ऐड किया था, वो उसका मैंने वीडियो मैं नहीं ले पाई। सो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग बैक अगेन। खिचड़ा बन गया है, अभी 12 o'clock एंड हम खा रहे हैं ब्रंच। हियर इज द खिचड़ा रेडी, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अभी सर्व करती हूँ और हो सके तो शेयर करती हूँ कि कैसे बनाए। सो ये है फाइनल लुक ऑफ द खिचड़ा, डिलीशियस, बहुत ही डिलीशियस बना है। टाइम टू सर्व एंड एंजॉय आवर ब्रंच। एज मैंने प्लान किया था 12 o'clock और अभी हम खा रहे हैं डायरेक्ट ब्रंच। मैंने दूसरे कैसेरोल में डिश आउट नहीं किया खिचड़े को क्योंकि गरम गरम था। आई थॉट अगर दूसरे कैसेरोल में डिश आउट करूँगी तो ठंडा हो जाएगा, इस वजह से मैंने सारा कैसेरोल ही रख लिया टेबल पर। और वी स्टार्टेड टू हैव आवर लंच, आई मीन आवर ब्रंच। खिचड़ा मुझे इतना पसंद आया कि लंच टाइम में तो पेट तो भर गया लेकिन दिल नहीं भरा था, इसलिए डिनर आज मैं जल्दी कर रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस बना है खिचड़ा आज का। सो व्यूअर्स, बैक अगेन इन माय ब्लॉग। अभी है 6:15 और शाम का टाइम है, डिनर के लिए अभी टाइम है। बट मैं इतना टेम्प्ट हो रही थी लंच का टाइम, मैंने पेट भर के खा लिया लेकिन दिल नहीं भरा। सो आई वांटेड टू हैव अर्ली डिनर अगेन खिचड़ा। सो आई एम गोना एंजॉय माय खिचड़ा। लंच का टाइम मुझे व्लॉग लेने नहीं हुआ और इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं खा रही हूँ डिनर तो व्लॉग ले लूँ। बहुत ही यम्मी, डिलिशियस और टोटली सुपर टेस्टी एंड सुपर डिलिशियस है। आई ऑलरेडी एंजॉयड द खिचड़ा। सो चाय का टाइम है लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, वो भी कोल्ड कॉफ़ी। हमेशा जाती हूँ, भूल जाती हूँ, मुझे कॉफ़ी ब्लेंडर ख़रीदना है, इसलिए आज मैं बीटर से कॉफ़ी अच्छे से बीट करूँगी, क्रीमी क्रीमी कॉफ़ी। सो लेट्स बिगिन टू मेक सम कोल्ड कॉफ़ी। वेरी रेयर मैं कॉफ़ी पीती हूँ, अदरवाइज चाय ही रोज़ पीती हूँ। मैंने लिया है 1 टीस्पून और एक और टीस्पून कॉफ़ी, वेरी स्ट्रॉन्ग कोल्ड कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी है। और शक्कर, मीठी मीठी कॉफ़ी इसलिए शक्कर भी मैं 2 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ शक्कर। और वेरी लिटिल पानी, वेरी वेरी लिटिल, आई थिंक
पहले तो मिक्स कर लेते हैं। कॉफी का कलर ना कम्प्लीटली थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाना चाहिए, तब तक बीट करूंगी मैं। यस द आइस आइस मैंने थोड़ी लिया क्योंकि दूध बहुत ठंडा है। चेक आउट द थिकनेस, ऐसी थिक होनी चाहिए, क्रीमी क्रीमी। मैं सारी ऐड कर दूंगी। कुकू यू आल्सो वांट? यस बेटे स्कूल मिस करना चाहिए। आई लव कोलका। आई माइट गिव यू अ सिप। नो ज्यादा पूछे तो वो भी नहीं देती। हाफ कप दे। तो क्या Now time to add the cold milk. Enough. And now let me stir. Looks just like coffee day ki coffee rehti hai. Ye mujhe taste karo. व्यूअर्स, आई एम गोना एंजॉय माई कॉफी एंड ऑल्सो वाइंडिंग अप माई ब्लॉग। एंड आई होप आप लोगों को मेरा कुकिंग ब्लॉग्स, मेरा मेरे डेली ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मेरे ब्लॉग्स को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नाजोस ब्लॉग्स को। फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में। अगर आप एक लाइक ज़रूर दे दें मेरे ब्लॉग को, और अगर कमेंट करना नहीं चाहते तो एक थम्स अप ज़रूर दे दें कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, बाय बाय एंड सायनारा। अल्लाह हाफ़िज़ ऑल माई व्यूअर्स, बाय।